हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट इल्यूमिनेटिंग आई शेडो पैलेट का रिव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, मैं बात कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट इल्यूमिनेटिंग आई शेडो पैलेट के बारे में, और मेरा जो शेड है वो है रॉयल पर्सिया। और इसका जो भी परचेज लिंक है और शेड नेम है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो सबसे पहले बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो इसका जो MRP प्राइस है वो है 995 रुपीज़। लेकिन मैंने ये नायका से परचेज़ किया था तो ये मुझे मिला था 597 रुपीज़ में। आई थिंक 48% उस टाइम डिस्काउंट था जब मैंने इसे परचेज़ किया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट में ये मिल गया है। और गाइस, बात करूँ उसकी क्वांटिटी की, तो हमें 995 रुपीज़ में मिलता है 7.5 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं नवंबर 2019 तक। यहाँ पर कोई इसकी पैकिंग डेट नहीं दी गई है। बात करूँ इसकी पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग ऐसे ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है, वाइट फॉन्ट में ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट, और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे पीछे मेंशन की गई हैं। एंड गाइस, ये क्या क्लेम करता है वो यहाँ पे पीछे मेंशन किया गया है, दीज कॉम्प्लीमेंट्री शेड्स ब्लेंड एफर्टलेसली टू हाईलाइट योर आईज एंड क्रिएट डिफरेंट लुक्स फॉर ऑल योर स्पेशल ओकेशंस। चलिए अब देख लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग कैसी है। इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, ये एक और अंदर से कार्डबोर्ड के ऐसे बॉक्स में पैक्ड है, तो पैकेजिंग के लिए तो बिग थम्स अप है। पैकेजिंग में कोई ऐसे नहीं है कि टूट वूटने का डर है। और उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्डबोर्ड के अंदर ये पेस्ट है, ये जो फोम टाइप से ये शीट है ये यहाँ पे अच्छे से पेस्ट हुई है इस कार्डबोर्ड के साथ में, ताकि जो आई शेडो पैलेट है उसको कुछ डैमेज ना हो। तो पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। एंड गाइज, ये है इनर पैकेजिंग इसकी, ये एकदम काफ़ी अच्छे से काफ़ी स्टर्डी है, ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। ऐसे लो क्वालिटी का इसका मटेरियल नहीं है, पैक तो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बैक साइड में भी यहाँ पे इसका शेड नेम, इसकी MRP एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्वांटिटी सब मेंशन किया गया है। जो ये क्लेम करता है वो भी यहाँ पे पीछे मेंशन किया गया है। एंड गाइस, इसमें ये सारे शेड्स मैंने जो परचेज़ किया इसमें ये सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ आता है ये स्पंज टिप एप्लीकेटर वाला ब्रश, जो मुझे नहीं लगता किसी काम का होगा। इस ऐसे इस टाइप के जो ब्रशेज़ होते हैं वो सिर्फ स्मजिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, जो हम अपने काजल को स्मज कर सकते हैं इनकी हेल्प से, अदरवाइज़ ये कुछ यूज़फुल ज़्यादा नहीं होते हैं। बात करूँ उसके कलर्स की, तो कलर्स काफ़ी ज़्यादा इसके वाइब्रेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी शेड्स हैं इसमें, ब्लू, पर्पल, पिंक, एंड यहाँ पर हमें एक शिमरी गोल्डन सा शेड भी मिल रहा है। तो इसमें हम अच्छे से बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ इन 6 जो शेड्स हैं इनकी हेल्प से ही, क्योंकि इसमें हमें पिंक मिल रहा है, हम पिंक एंड गोल्डन का यूज़ करके एक बिल्कुल ब्राइट सा डे लुक क्रिएट कर सकते हैं। पर्पल एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ हम कोई भी इवनिंग या नाइट पार्टी या कोई भी ऐसे फंक्शन के लिए लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस पैलेट को यूज़ करके मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इसके जो कलर्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। तो टेक्स्चर की बात कर लेते हैं, ये देखिए गाइज, इनकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड फ्रेंड्स, इसमें से जो 3 शेड है वो मिलते हैं हमें मेटालिक, और बाकी के जो 3 शेड्स हैं वो मिलते हैं लिटिल बिट शिमरी। बहुत ज़्यादा इसमें शिमरी शेड्स नहीं है, इसमें बिल्कुल हल्की सी शीन है। सिर्फ ये जो गोल्डन शेड है इसमें हल्के से ज़्यादा पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, थोड़ा सा शाइनी, जो कि इसे होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी आईलिड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है ऐसा शिमरी गोल्डन शेड, आईब्रोज़ को हाईलाइट करने और हमने जो इनर कॉर्नर्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो इस शेड को थोड़ा सा शिमरी होना भी चाहिए, तो ये उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक ये है टर्कवाइज कलर की जो है ये, एंड ये जो थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में है ये, इनमें हल्की हल्की सी शीन है, बहुत ज़्यादा शीन, ज़्यादा शिमरी नहीं है, बस हल्की सी शाइन है इसमें। अब मैं इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ आपको कैसी है। ये देखिए गाइस, इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पिगमेंटेशन में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इनके शेड्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं। और गाइस, यहाँ पे एक हमें बड़ा सा मिरर भी मिल रहा है, मिरर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसके साथ, एक ये शीट है ताकि मिरर कुछ गंदा ना हो इस शेड्स की वजह से। एंड गाइस, मिरर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा मिरर हमें इसमें मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसकी। तो चलिए अब इसके स्वाचेस देख लेते हैं। सबसे पहले है ये है एक ग्रे जो शेड है ये, उसके बाद है ये पर्पल शेड, उसके बाद है ये पिंक। गाइज, ये बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं है, इनका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे बिल्कुल पाउडरी नहीं है कि आप इसे ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये पाउडरी फिनिश नहीं है, इनका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है ये टर्कवाइज कलर है ये,
इसमें थोड़ी सी शाइन है, आप देख भी सकते हैं, हल्की सी शेन है इसमें, ब्राउन अंडरटोन में ये हल्का सा मेटालिक सा शेड है, आप ये देख सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल हल्के से शेन है, शायद ही आपको दिख रही होगी। इन दोनों में बहुत बिल्कुल लाइट से शेन है, बहुत ज़्यादा डार्क इसके वैसे ग्लिटर्स नहीं है। देन उसके बाद है ये गोल्डन शिमरी शेड है, और ये शेड भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। सो गाइज ये हैं वो सारे शेड्स, आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी शाइन है, बहुत बिल्कुल लाइट सी आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी भी बिल्कुल ज़्यादा, बट ये शेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है इनकी। गाइज ये पैलेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसके शेड्स, इसका जो टेक्सचर है, और ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड भी हैं। इस पैलेट को यूज़ करके मैं आपके साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी। गाइज मैंने इसे परचेज किया था नायका से, आप और भी ऑफर्स के लिए फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर भी देख सकते हैं, बट ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे ऑफर में नायका से मिला था, तो मैंने इसे वहाँ से परचेज किया है। सो आप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऑफर्स के टाइम पे ही ऐसी चीज़ें चेकआउट करें, ताकि आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाए जो भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करना चाहते हैं। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।